हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स को हम लोग जारी रखेंगे और जिन्हें टॉप 50 का वीडियो चाहिए, मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मैंने पहले ही 50 वीडियो का रिलीज़ कर दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और अगर आप इसका एक और टॉप 50 वीडियो वाली सीरीज चाहते हो तो नीचे पार्ट टू आप जो है लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पार्ट टू की भी वीडियो चाहिए होगी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ICAO ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलार अलायंस, यानी कि ये जो है सोलार अलायंस को जो है ज्वाइन करने वाला है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी देखो जो भी एयरपोर्ट पे आप जाते हो, एरोप्लेन चलते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ रूल होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक मेमोरेंडम यानी कि MOU साइन किया है, किसके साथ, इंटरनेशनल सोलार अलायंस के साथ। यानी कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं या फिर एयरपोर्ट पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी यूज़ होती है सोलार पावर के द्वारा जो है उसे रिप्लेस किया जाए, तो ये अच्छी पहल है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया, जो इंडिया में है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो है फुल्ली सोलार पावर एयरपोर्ट बन चुका है 2015 में ही। जी हाँ, कोचीन एयरपोर्ट जो है कम्प्लीटली ये जो है सोलार पावर प्लांट पर चलता है। बहुत ही बेहतरीन बात है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, मेन एम जो है ना सार्क का, वो क्या है, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने का है, इंटरनल अफेयर्स को देखना है, नॉन एलेग्निटी को बढ़ाना है, या पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ाना है। सार्क का जो मेन एम है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ से भी आप देख सकते हो इसके बारे में, नेट जीरो टारगेट रखा गया है कि कार्बन एमिनेशन जो भी फैल रहा है उसे कम किया जाए, CO2 को कम किया जाए, तो ये अच्छी पहल है। और आप लोगों को फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, सितंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं मैंने हर वीडियो में डिस्कस करा है, तो प्लीज़ उसे नोट डाउन जरूर कर लेना। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस, तो देखिए यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा, 29 सितंबर को हर साल, एवरी ईयर जो है ये मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस साल का जो 2022 का थीम है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी कि कनेक्टिविटी की बात की जा रही है यहाँ पे। अब वो रोड वाली कनेक्टिविटी या टेलीफोन वाली नहीं, इंसान के इंसान के बीच वाली कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। और एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है ये आपको बताना है, वियना में है, पेरिस में है, हेग में है, या जनेवा में है। नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर आप लोग दे देना। और चलिए फाइनली क्वेश्चंस की स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो और आखिरी के जो 10-12 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हो, एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको 150 में मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी आपको दिख रही होगी, जिन्हें चाहिए होगा वो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। तो चलिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फोनी टू प्रमोट द टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सिम्फोनी जो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र सिंह तोमर, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, या पुरुषोत्तम रूपाला। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख लीजिए, ये यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, और इन्होंने जो है 2 डे का जो वर्चुअल मीटिंग है ये इन्होंने करा था, सिम्फोनी इसका नाम था, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, तो पुरुषोत्तम निराला ने इसे इनॉग्रेट किया था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज 22nd नाटो समिट 2020 हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड स्पेन में। देखिए नाटो का एक ग्रुप है जहाँ पे अगर किसी एक कंट्री पे भी अटैक होता है तो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके ऊपर अटैक माना जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑपरेशन मेगा चक्र हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बाय होम, यानी कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन मेघ चक्र, सेंट्रल ब्यूरो यानी कि CBI के द्वारा, DRDO, इसरो या IIT कानपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से आप देख पाओगे CBI ने जो है इसे किया है, और ये जो है ना 59 प्लेसेस पे सर्च की गई 21 स्टेट्स में, और मेघ चक्र चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम मेघ चक्र रखा गया था। आगे देख लीजिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सांस कैंपेन विथ
एन एम टू रिड्यूस इन्फेंट मोरालिटी ड्यू टू द निमोनिया, यानी कि बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं निमोनिया उनको होकर उनकी डेथ ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की है साउंड्स, तो ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। बाय होम वॉज द पुनित सागर अभियान लॉन्च्ड, पुनित सागर अभियान NCC के द्वारा लॉन्च किया गया है। NCC का फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और NCC कब इस्टेब्लिश हुआ था नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी आंसर सही दिया है प्लीज़ उनके आंसर्स को अदर लोग लाइक जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि ट्यूटर स्कीम यहाँ पे शुरू की गई है प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, द कैबिनेट अप्रूव्ड, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर स्कीम इस लॉन्च कर दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, यानी कि ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो सरकार खरीद भी लेगी आपसे, तो हिमाचल प्रदेश में ये किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और जी का भी आपने पढ़ा है, तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री सारथी योजना, मैंने पहले भी पढ़ाया था, राजस्थान में ये लॉन्च हुआ था, रिकैप होता रहे इसलिए मैं इन क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूँ। बंदारू विल्सन बाबू हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो इनको जो है किस कंट्री के लिए बनाया गया है एम्बेसडर, सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, मेडागास्कर के लिए या इंडोनेशिया के लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ से देख पाओगे, IFC यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ के लिए, तो यहाँ से आप देख पाओगे मेडागास्कर के लिए इनको जो है एम्बेसडर टू जो है मेडागास्कर नियुक्त किया गया है, इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रणय वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, तो प्रणय वर्मा को बांग्लादेश के लिए बनाया गया है एम्बेसडर। हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, तो ये बबीता सिंह है जिनको पीस एम्बेसडर 2020 ग्लोबल के तौर पर सम्मानित किया गया है, चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ दिलीप ट्रॉफी 2021-2022, तो सबसे पहले देखिए दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये जानना है, किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड होता है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, वेस्टर्न जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन या फिर सेंट्रल जोन क्रिकेट, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए ये क्रिकेट से संबंधित है और साउथ जोन ने 294 रन से जो है इसे जीत लिया है, याद रखिएगा ये 529 रनों का टारगेट था जो कि ये कम ही रन ये बना सके। और यहाँ से देख लीजिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ से आप देख पाओगे वेस्ट जोन ने जीता है, सॉरी देखिए वेस्ट जोन ने साउथ जोन कर हरा कर ये जीत लिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट जोन ने जीता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो रनर अप टीम थी वो क्या कौन था, तो साउथ जोन क्रिकेट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए हु हैज़ बिकम द सेकेंड प्लेयर टू कंप्लीट 10,000 रन इन T20, तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू स्कोर मोस्ट 50s इन T20 क्रिकेट, तो डेविड वार्नर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा 50 T20 में बनाया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर एमिट विच गैस, कौन से गैस को ये जो है एमिट करता है नीचे कमेंट करके बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? एक और बात मैं फिर से आप लोगों को दोहरा दूँ, 150 रुपीज में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिन्हें चाहिए होगा वो ईमेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें ताकि मुझे पता चल पाए वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।